राय, उन्हें क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप देंगे वसीयत बनाते समय, क्योंकि वो इस कंट्री में नहीं रहते, वो दूसरे देश में रहते हैं, तो उनके लिए क्या रूल्स अप्लाई होते हैं और वसीयत बनाते समय वो किन किन बातों का ध्यान रखें, जो भी हमारे NRI दर्शक हैं जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें क्या सुझाव देंगे आप? बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। NRI जो है वो रहता तो कोई और देश में है, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इंडिया में है। अब उसने अगर इंडियन प्रॉपर्टी के लिए उसकी वसीयत नहीं बनाई तो उसमें से समस्या खड़ी होगी और उसकी समस्या और पेचीदी होगी, क्योंकि उसके जो लीगल लेयर्स है, उसके वारसदार है, वो तो रहते हैं इंडिया के बाहर। तो इधर जो आप डिवॉल्यूशन है वो पास होना बहुत ही कंबरसम और इम्प्रैक्टिकल बन जाता है। तो NRI के लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि NRI अपना जो बिल, भले उसने अपने जो कंट्री ऑफ जहां वो रहता है रेसिडेंस में, माना कि अमेरिका में है, तो उसकी अमेरिकन प्रॉपर्टीज के लिए उसको एक अलग बिल बनाना चाहिए, क्योंकि वहां के कानून कायदे सब अलग है। पर इंडियन प्रॉपर्टीज के लिए मैं हम हमेशा हमारे NRI दोस्तों को कहता हूं कि इंडियन प्रॉपर्टीज के लिए आप एक बिल इंडिया के हिसाब से बनाइए। और यह जरूरी नहीं है कि आपको इसके लिए इंडिया आके ही बनाना है, आप अमेरिका में बैठे बैठे भी आप बिल बना के, आपके वहां अमेरिका के दोस्त हैं उनको साक्षी मानते हुए आप वो बिल बना सकते हैं, और जब वो जरूरी हो तो दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड हियर इन इंडिया। तो इसमें कोई बड़ी चैलेंज नहीं है, पर बिल जरूर बनाएं। साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि कई बार क्या होता है कि NRI के वारिसदार जो होते हैं, वारिस, उनको जब प्रॉपर्टी मिलती है, उनको मान लीजिए वापस ले जाना है कुछ बाहर पैसा, तो उनके यहाँ बैंक अकाउंट्स ही नहीं होते हैं, या तो होते हैं तो वो पुराने ऑर्डिनरी सेविंग रखे हुए NRO नहीं होते हैं, तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी NRO अकाउंट नहीं है, तो फिर आपको रेमिटेंस या रिपैट्रिएशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये सब ख्याल में रखते हुए NRIs को भी बहुत अलर्ट और अप टू डेट रहना चाहिए, ताकि उनके लीगल एड्स को भी कोई प्रकार के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस की डिफिकल्टीज न हो।